दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत के अध्ययन के क्रम में आज दूसरी कड़ी के अंतर्गत हम बाकी बचे हुए अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। प्रथम है कृषिगत विशेषताएं। भारत के समान दक्षिणी पूर्वी एशिया के अधिकांश देशों की जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है। भारत में ऐसे लोगों का अनुपात करीब 68% है, जबकि दक्षिणी पूर्व एशिया के विभिन्न देशों में से म्यांमार में 67, वियतनाम में 76, थाईलैंड मलेशिया में इसी के आसपास 74-76, इंडोनेशिया में 66 है, जबकि लाओस एवं कंबोडिया में 80% लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं। फिलीपींस में यह अनुपात और भी कम 45% है। अधिक वर्षा का क्षेत्र होने से यहाँ चावल, मक्का, गन्ना, कहवा, रबड़, चाय, गर्म मसाले, नारियल, केला आदि का उत्पादन होता है। यह भारत की तरह यहाँ कृषि के विविध स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, जिनमें बागानी कृषि, गहन निर्वाह कृषि, मिश्रित कृषि इत्यादि शामिल हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा कृषि, आंतरिक शुष्कतर भागों में शुष्क कृषि, जनजातीय क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि का प्रचलन भी है। भारत में करीब 53% भूमि पर कृषि की जाती है, जबकि इंडोनेशिया के पहाड़ी एवं वन प्रदेश में मात्र 15, फिलीपींस में भी ऐसी स्थलाकृतिक परिस्थितियों में 18%, मलेशिया में 16 और लाओस में 11% भूमि ही कृषित है। प्रदेश में पहाड़ी पठारी भागों के कारण ऐसा देखा जाता है। म्यांमार के मैदानी तथा डेल्टाई प्रदेश में व्यापक कृषि के कारण यहाँ कृषित भूमि का अनुपात 26%, थाईलैंड के मैदानों में कृषि के कारण 29%, कंबोडिया के मैदान में खेती के कारण 34% तथा वियतनाम के तटीय भागों में तथा डेल्टाई क्षेत्र में कृषि से यहाँ की कृषित भूमि का अनुपात 23% है हो जाता है। म्यांमार के विभिन्न नदी घाटी प्रदेश जैसे इरावदी, सितांग, साल्विन के मैदान तथा डेल्टाई प्रदेश में देश का 80% चावल उत्पादित होता है, जो 80% कृषि भूमि और 40% आर्थिक उत्पादन हेतु जिम्मेदार है। देश का करीब 60% निर्यात व्यापार चावल के रूप में होता है। थाईलैंड के मेनाम नदी के डेल्टा क्षेत्र में उत्पादित होने वाला पिनकाओ प्रकार का चावल विश्व का श्रेष्ठ माना जाता है। रबड़ की कृषि थाईलैंड में मुख्य कृषि उत्पाद है। वियतनाम के मिकोंग नदी तथा टोंकिंग नदी के डेल्टाई क्षेत्र भी चावल के उत्पादक हैं। मलेशिया में सबसे बड़ी नगदी फसल रबड़ की है, जबकि काली लावे की मिट्टी से जावा द्वीप इंडोनेशिया में गन्ने इत्यादि की फसलें उगाई जाती हैं। रबड़ ढलान में पहाड़ी ढलानों पर रबड़ की कृषि भी होती है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से देखें तो भारत के समान दक्षिणी पूर्व एशिया में लावे से निर्मित चट्टानों के क्षेत्र में विभिन्न धात्विक खनिज मिलते हैं, जबकि अवसादी चट्टानों वाली नदी घाटियों में पेट्रोलियम एवं कोयला प्राप्त होता है। म्यांमार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज पेट्रोलियम है, जो इरावदी नदी के घाटी क्षेत्र से प्राप्त होता है। यहाँ के शान पठार जो कि लावे की चट्टानों से बना है, वहाँ सीसा, जस्ता और चांदी प्राप्त होती है। थाईलैंड
एवं मलेशिया का सबसे महत्वपूर्ण खनिज टिन है। पेट्रोलियम का उत्पादन भी मलेशिया में होता है, लेकिन इंडोनेशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया प्रदेश का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक है, जहां सुमात्रा द्वीप सर्वाधिक उत्पादन करता है। फिलीपींस के पहाड़ियों में सोना एवं चांदी काफ़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं। औद्योगिक दृष्टि से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से कई देश जैसे सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड में औद्योगिक विकास पिछले वर्षों में हुआ है। राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो प्राचीन काल से भारत के दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से गहरे संबंध रहे हैं। भारत के दक्षिणी प्रदेश के विभिन्न राजवंश जैसे चोल, चालुक्य, पांडे, चेर तथा पल्लव का आज इस प्रदेश से गहरा संबंध रहा है, और इन दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में इन्होंने अपने उपनिवेश भी स्थापित किए। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में मुख्यतः संघात्मक प्रकार की राजव्यवस्था पाई जाती है, जैसे भारत में भी मिलती है। चौथा जो हमारा बिंदु है वो है व्यापारिक संबंध। भारत एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के बीच प्राचीन काल से जो संबंध स्थापित हुए, वे उनका स्वरूप व्यापारिक था। कंबोडिया, जिसका पुराना नाम कंबोज था, इंडोनेशिया के विभिन्न द्वीप जैसे जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली, थाईलैंड जिसका पुराना नाम श्याम था, तथा मलेशिया जिसे पहले मलाया नाम से जानते हैं, उनसे भारत के उल्लेखनीय व्यापारिक संबंध रहे हैं। सातवीं सदी के आते आते ये व्यापार काफ़ी उन्नति कर चुका था। भारत के व्यापारी यहाँ भारत से बनी विभिन्न वस्तुएं ले जाते थे और वापसी में गर्म मसाले वगैरह ले आते थे, जो दक्षिणी पश्चिमी एशिया में बेचकर वे काफ़ी समृद्ध हो जाते थे, समृद्धता को प्राप्त कर चुके थे। धार्मिक एवं भाषागत विशेषताएं। धार्मिक दृष्टि से प्राचीन काल में भारत के दक्षिणी पूर्वी एशिया से निकट के संबंध विकसित हुए। म्यांमार, जिसे प्राचीन भारत में सुवर्ण भूमि कहा जाता था, वहाँ आंध्र प्रदेश के प्रवासियों ने उपनिवेश बनाए तथा वहाँ हीनयान बौद्ध धर्म लेकर गए, जहाँ उसकी संज्ञा उसको थेरावाद कहा गया। उन्होंने यहाँ अनेक पैगोडा यानी के बौद्ध धर्मस्थलों का निर्माण भी किया। जावा को प्राचीन भारत में यव द्वीप कहा जाता था। 1932 ईस्वी से देववर्मन नामक राजा ने यहाँ प्रथम हिंदू राज्य की स्थापना की थी। बाद में बौद्ध धर्म भी यहाँ पहुँचा। शैलेंद्र राजवंश के शासकों ने यहाँ 800 वर्ष राज्य किया और विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर, जो बौद्ध और हिंदू मंदिर की हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हैं, उनकी स्थापना की गई। जावा की भाषा, धर्म, साहित्य, समाज व राजनीतिक पटल पर भारत के तत्कालीन संबंधों का गहरा प्रभाव देखा जाता है। सुमात्रा को स्वर्ण द्वीप कहा जाता था, जहाँ श्रीविजय नामक राजा ने हिंदू राज्य की स्थापना की थी। अत्यंत प्रसिद्ध श्रीविजय नामक राजा हुआ। यहाँ पर बौद्ध मठ और स्तूप भी पाए जाते हैं। आज भी इंडोनेशिया का बाली द्वीप प्राचीन हिंदूकालीन उपनिवेश के बाद भी अभी भी हिंदू धर्म की पहचान कायम किए हुए हैं, यद्यपि इंडोनेशिया के शेष द्वीपों पर आजकल मुख्यतः इस्लाम धर्म का प्रचार हो गया है। कंबोडिया, जिसे प्राचीन काल में कंबोज कहा जाता था, वहाँ भी हिंदू साम्राज्य का प्रसार हुआ।
अंकोर वाट के प्रसिद्ध मंदिर विष्णु मंदिर यहीं स्थापित हुए। वियतनाम पर भी हिंदू साम्राज्य की गहरा प्रभाव रहा। वहाँ की समाज एवं वहाँ की राज व्यवस्था पर उस समय भारत में इसे चंपा नामक देश के रूप में जाना जाता था। दक्षिणी पूर्वी एशिया के सभी देशों के सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक स्वरूप, अर्थव्यवस्था एवं सभ्यता में भारत की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। भारत की जाति व्यवस्था एवं वर्ण व्यवस्था का प्रभाव यहाँ काफ़ी वर्षों तक रहा और अब भी कुछ मात्रा में दिखाई पड़ता है। लेकिन भारत की सभ्यता का प्रचार यहाँ मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में हुआ। भारत में गुजरात के सौराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, बंगाल से व्यापारी दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में जाते थे और इन्हीं के साथ सौराष्ट्र से जैन धर्म, तमिलनाडु से शैव धर्म के मानने वाले, ओडिशा से वैष्णव धर्म तथा बंगाल से बौद्ध धर्म का प्रसार दक्षिणी पूर्वी एशिया में हुआ। भाषाई दृष्टि से देखें तो कंबोडिया में खमेर भाषा बोली जाती है, जो भारत की मेघालय की खासी जनजाति में भी इसी वर्ग की भाषा का प्रचार की मौजूदगी पाई जाती है। इंडोनेशिया की भाषा को भाषा इंडोनेशिया, लाओस की भाषा को लाओ, थाईलैंड की थाई भाषा है, यद्यपि यहाँ चीनी और अंग्रेजी भाषा भी प्रचलित है। वियतनाम में वियतनामी के साथ साथ फ्रेंच भाषा प्रचलित है। मलेशिया में भी चीनी मूल के लोग चीनी भाषा बोलते हैं, जबकि मलेशिया के मूल निवासी मल्ले भाषा बोलते हैं। अंग्रेजों का उपनिवेश होने से यहाँ अंग्रेजी तथा भारत के तमिल लोगों के बसने से तमिल भाषा भी प्रचलित है। भारत की तरह इन देशों का भी औपनिवेशिक इतिहास रहा है, इसलिए अंग्रेजी तथा वियतनाम जैसे देश में फ्रेंच भाषाएं या यूरोपीय भाषाएं यहाँ पहुँची। धर्म की दृष्टि से म्यांमार, थाईलैंड, लाओस एवं कंबोडिया में बौद्ध धर्म पाया जाता है। वियतनाम में पाओ तथा बौद्ध धर्म का प्रसार है। पाओ मूलतः चाइनीज फिलोसफी या दर्शन है। इंडोनेशिया, मलेशिया, पूर्वी तिमूर तथा ब्रुनेई में इस्लाम धर्म के मानने वाले अधिक हैं, जबकि फिलीपींस में मुख्यतः ईसाई धर्म के फॉलोअर्स हैं।